लालू जी प्रधानमंत्री होंगे सजाए आपका, अरे लालू जी प्रधानमंत्री होंगे। और जब गरीब के नेता है नहीं, अब तो ये मुसलमान के नेता हो गए। लालू जी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लालू जी चुनाव लड़ रहे हैं 2025 में अपने युवराज के लिए। ये 24 का चुनाव है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा या देश में सतभद्री सरकार होगी। लालू जी ये जानते हैं कि मेरे जीते जिन हम अपने बेटे को युवराज बना के जाए। वो युवराज इतना बड़ा झूठा है कि कहता है, वो एक होता है संघ जो बजाते हैं पंडित जी, और एक होता है टपोर संघ। तो ये टपोर संघ है, ये लालू जी गरीबों के नेता अब नहीं रहे, ये जादवों के भी नेता नहीं रहे, ये केवल परिवार के नेता बन के रह गए हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के मतदान को लेकर बीजेपी ने चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल वैशाली लोकसभा क्षेत्र के काटी में एक स्कूल में आयोजित जनसभा को संबोधित करने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे। इस दौरान गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लालू यादव कोई लोकसभा का नहीं बल्कि अपने बेटे तेजस्वी यादव को 2025 में सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लालू यादव अब यादव मुस्लिम पिछड़ा वर्ग के नेता नहीं हैं, बल्कि अब वो परिवार के नेता बन गए हैं। सच्चाई तो यही है कि इस लोकसभा चुनाव में अब ऐसे लोगों के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है, कोई दूसरी जगह आजमा लें। सजाए आपका, अरे लालू जी प्रधानमंत्री होंगे, उनके गठबंधन में कौन प्रधानमंत्री होगा? लालू जी, बिहार ने आपको देखा है 15 साल शासन करते हुए। भले बिहार का नौजवान बेटी कह रही थी कोमल भी नहीं देखी होगी। लालू जी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लालू जी चुनाव लड़ रहे हैं 2025 में अपने युवराज के लिए। उनका युवराज कौन है? अरे उनका युवराज कौन है? वो आप लोग भूल जाइए, वो जानते हैं कि मैं जीत करके भी कुछ नहीं करूंगा। अगर बीना जी जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बनेंगे बल्कि 400 के पार जाएगा। तो जब चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं तो अपना अपना वोट जो लोग देने के लिए सोच रहे हैं उनसे प्रार्थना है, देश के लिए वोट दे, 25 के लिए वोट मत दे। ये 25 का चुनाव नहीं है, ये 24 का चुनाव है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा या देश में सतभद्री सरकार होगी। अरे भाई, हमारे यहाँ कहावत है, हम कोई नहीं कह रहे हैं कि ये दूसरे तरह की भाषा आप लोग नहीं लेंगे, हम लोगों के यहाँ कहावत है, ये कौन होगा? इसलिए लालू जी ये जानते हैं कि मेरे जीते जिन हम अपने बेटे को युवराज बना के जाए। और वो युवराज इतना बड़ा झूठा है कि कहता है, वो एक होता है शंख जो बजाते हैं पंडित जी, और एक होता है टपोर शंख। तो ये टपोर शंख है, तो ये 25 का चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, ये लालू जी गरीबों के नेता अब नहीं रहे, ये जादवों के भी नेता नहीं रहे,
ये केवल परिवार के नेता बन के रह गए हैं। आपको नहीं लगता है क्या, यहां बैठे किसी यादव को, पिछड़े को, गरीब को उप मुख्यमंत्री बनाया क्या? अरे बनाया क्या, जब बनाया ही नहीं। आज तक 34 साल में मुख्यमंत्री अपने, मुख्यमंत्री पत्नी, उप मुख्यमंत्री बेटा, लड़ रही है बेटी, दो दो बेटी, एक मंत्री बेटा, एक राज्यसभा कुटुंब। जब परिवार ही उनकी पार्टी है तो नेता भी तो परिवार के होंगे। गलत कह रहे हैं कि सही? अगर ये गरीब का नेता होते तो मोदी जी को बिहार में प्रधानमंत्री आवास देने की जरूरत पड़ती क्या? शौचालय बनाने की जरूरत पड़ती क्या? इस दौरान गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी की गारंटी और कार्यों की जमकर तारीफ की और कहा कि देश क्या दुनिया में मोदी के कार्य की ख्याति है बेहतर कार्य के लिए। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा, कहा कि ये लोग सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं और झूठे वादे कर सकते हैं। जब गरीब के नेता है नहीं, अब तो ये मुसलमान के नेता हो गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, यहां मीडिया के मित्र हैं, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। तो ये आरक्षण जब मुसलमानों को देंगे तो किसका आरक्षण खाएंगे? हिंदू के गरीब गुरबा पिछड़े का खाएंगे कि नहीं खाएंगे? लूटेंगे कि नहीं लूटेंगे? तो मैं तो यादव के नौजवान से कहता हूं, भुलावे में मत रहो, न तेरे लिए सीट है मुख्यमंत्री का, न विपक्ष के नेता का। तो ये अब मुसलमानों की बात कर रहे हैं, क्या आप मुसलमानों से अपना आरक्षण छिनवाएंगे? लालू जी को छीनने देंगे? अरे जोर से हो या नहीं बोलिए ना। ये लालू जी और राहुल गांधी, ये दोनों मिलकर के। बहरहाल बता दें कि पांचवे चरण में 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में वोटिंग होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।